हैदराबाद के आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर की अवामी तालीमी व समाजी खिदमात को खराज पेश करने के लिए तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी की जानिब से मीर उस्मान अली ख़ान के कारनामों पर मुहित किताब शौकत उस्मानिया की रस्म इजरा आज सुबह माइनॉरिटी मिनिस्टर कोपुला ईश्वर के हाथों अंजाम पाई। इस मौके पर तेलंगाना उर्दू अकेडमी के सदर नशीन रहीमुद्दीन अंसारी, डायरेक्टर सेक्रेटरी उर्दू अकेडमी डॉक्टर मोहम्मद गौस, मुशीर बराए अखिलियती उमूर तेलंगाना हुकूमत ए के खान सरदार सलीम के अलावा दीगर मौजूद थे। सीईओ गारू कल ब्रह्मांडम चारात्मक पुस्तका मुद्रे चरत्र भावितर वाल की अच्छे गोप प्रयत्न सदर्भ में किताब है। इससे पहले भी जो पब्लिकेशंस आए हैं, जब से रहीमुद्दीन अंसारी साहब चाहे पहली बार जब चेयरमैन थे या अब, ये सब बहुत सारे लाइब्रेरीज में ये किताब को देखते हैं हम लोग। मैं यहाँ तक के दिल्ली और लखनऊ में भी ये किताबें वहाँ के लाइब्रेरीज में देखता हूँ। इतनी अच्छी तरह से ये किताब छापते हैं और जो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होता है, जो बहुत शुक्रिया कला मिलती है सबको, तलबा को हो या जो भी उर्दू ज़बान से मोहब्बत रखते हैं, सब के लिए बहुत ही अहम किताब है। मैं समझता हूँ कि ये किताब भी मकबूल होगी और जितने भी दानिश्वर हैं या उर्दू ज़बान को जानने वाले हैं, हर एक इसको पढ़ेंगे। इसमें जो लैंग्वेज का जो लैंग्वेज की खूबसूरती है उसको अप्रिशिएट करेंगे और उसके साथ ही साथ उसमें जो इतना इन्फॉर्मेशन दिया गया है इसको भी हासिल करेंगे। फिर एक बार मैं इतनी अच्छी किताब छापने के लिए और सबके सामने लाने के लिए उर्दू अकेडमी को, खुसूसन चेयरमैन साहब को मैं मुबारकबाद देते हुए